उत्तराखंड के राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने गुरुवार को लोकसभा में धर्मनगरी डोंगरगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय मार्ग के निर्माण का मामला उठाया है। संतोष पांडे ने कहा कि डोंगरगढ़ में विराजमान मां बम्लेश्वरी मंदिर पूरे देश में विख्यात है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु प्रति वर्ष यहाँ आते हैं, खासकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्य से। चैत्र व शारदीय नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ और बोर तालाब को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय मार्ग जो महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है, यह सड़क 15.3 किलोमीटर है, जिसके लिए डोंगरगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 744.63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी, लेकिन भिन्न भौगोलिक स्थिति, मिट्टी असमतल स्थान एवं मिट्टी गिट्टी होने के कारण तथा अधिक यातायात होने के कारण पुनरक्षित प्रकरण के तहत 1392.69 लाख रुपए की स्वीकृति लंबित है। यह धनराशि लंबित होने के कारण सड़क के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने इस धनराशि को जल्द स्वीकृति प्रदान करने की बात संसद में रखते हुए कहा कि डोंगरगढ़ धर्म नगरी होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी एक प्रमुख स्थान है। यहाँ आसपास से बहुत से पर्यटन स्थल है जहाँ सैलानी घूमने आते हैं। सड़क के अधूरे कार्य की वजह से यहाँ श्रद्धालु और पर्यटकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसके निर्माण हेतु बकाया राशि को जल्द प्रदान करने व निर्माण कार्य को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने के लिए उन्होंने सदन में अपनी बात रखी है। संतोष पांडे, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव में अत्यंत धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ है, जो 1600 फीट की ऊंचाई पर माता विराजमान है, और यहाँ महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ के और आसपास के प्रदेश के लाखों लोग शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में आते हैं। ऐसे डोंगरगढ़ और बोर तालाब को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय मार्ग है, जहाँ महाराष्ट्र से जुड़ता है। सड़क की लंबाई 15.30 किलोमीटर है। RPR2 योजना के तहत अनुभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 744.63 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी, किंतु विभिन्न भौगोलिक स्थिति, भिन्न प्रकार की जमीन व मिट्टी गिट्टी होने के कारण तथा अत्यधिक यातायात दबाव के कारण पुनरीक्षित प्राकलन 1392.69 लाख रुपये दिनांक 22/9/2019 को डायरेक्टर राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास अभिकरण दिल्ली में लंबित है। केंद्रीय दल द्वारा मार्ग का निरीक्षण भी किया जा चुका है। महोदय, सड़क निर्माण में विलंब होने के कारण वहां JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें. धन्यवाद.